बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बिसाब रहमत और सनात के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो प्लाई वाली शटरिंग मैंने नई ली है ना, तो इसका कल अल्हम्दुलिल्लाह लेंटर जो है ना खैर वफियत से डल गया है। तो आज हम अभी आए हैं इसकी रोके खोलने के लिए। साइड पर जो रोक लगाते हैं ना हम 6 इंच का फटा, तो आज हम उसको खोलते हैं। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बताऊं, कई दफ़ा हमको ऐसे मालिक मिलते हैं ना कि वो भी हमको साइडों से खोलने नहीं देते। हालांकि साइड पर जो जैसे हम कॉलम लगाते हैं, बीम लगाते हैं या कंक्रीट की एक साइड जो होती है ना, वो दूसरे दिन जो है ना खुल जाए तो कोई मसला नहीं होता। सिर्फ कंक्रीट का ये होता है ना कि जो जिसके ऊपर कंक्रीट कैम हो ना, जैसे ये बीम लगा हुआ है, ये देखें वो बीम बाहर से असल में रोशनी ज़्यादा है ना, जैसे छाती आप समझ लें, तो इसको हम कंक्रीट के नीचे से जो है ना टाइम से पहले नहीं निकाल सकते। लेकिन साइड से जो फटा होता है ना उसको हम आसानी जो है ना निकाल भी लें तो कोई मसला नहीं होता। तो बखैर ऐसे मालिक होते हैं ना, वो हमको खोल ही नहीं देते कि यार नहीं ये तो छत लेंटर के साथ खुलते हैं, ऐसे हो जाएगा, ये फट जाएगा, गिर जाएगा उधर से। तो बाज़ ऐसे हमको जो है ना लोगों का सामना करना पड़ता है कि ऐसे लोग हमको मिलते हैं। तो बहरहाल खैर, ऐसे लोगों को मुतमिन करना भाई साहब इतना मुश्किल काम होता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। पर भाई साहब ये मेरा हथियार जिससे मैं काम करता हूँ, मेरी हथौड़ी है ये, और ये देखे सीढ़ी कितनी ज़बरदस्त भराई हुई है। ये छत से लेंटर से पहले हाथ से जो है ना भराई हुई है। ये सारे जो फटे हैं ना ये साइडों पे लगे हुए थे, बड़ा प्लाट था ना 10 मरले का, तो काफ़ी ज़्यादा फटे जो है ना वो लगे हुए थे। प्लाई लेने से पहले मैं तो यही सोच रहा था कि यार अब प्लाई का ही काम करूँगा, लेकिन 10 मरले की प्लाई तो ली है ना, लेकिन पहले कच्ची जो शटरिंग है फटों वाली वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब वो 10 मरले के नीचे हमने वही वलियाँ टेक इस्तेमाल किए हैं, बत्ते और फटे भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना मेरे पास शटरिंग 3.5 मरले का जो है ना प्लाट एक बच गया हुआ है। तो शुक्र है अल्लाह का कि हमको काम भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया 3.5 मरले का। तो भी कोहिस्तान इनक्लेव से मैं और अलीशान भाई आ गए थे, ये देखिए अभी इसके कॉलम भी जो है ना वो लगाने हैं। आज जितना भी हमने काम किया ना उसमें से ये कॉलम लगाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, 2 साइडें से इसकी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से जो है ना लग गया। तो अभी जा रहे हैं हम घर को। पेड़ों के रेवड़ की वजह से पूरा रोड जो है ना ब्लॉक हो गया हुआ है। क्या हाल है, ठीक हो? काम से तो हम जल्दी वापस आ गए थे, लेकिन मेरा दिल था कि यार आज टूर्नामेंट हो रहा है ना, वो जो नई पिच बनी है ना जिसकी वीडियो मैंने चढ़ाई थी, तो उसी पेज पे टूर्नामेंट हो रहा है। तो छोटा लिशान भाई जो है ना वो करा रहा है, तो छोटा हमजा भाई और एक 2 कज़न भी थे, वो भी जो है ना अभी थोड़ा सा काम किया है तो भाग के चले गए कि हम मगरिब के बाद आएंगे और अपने हिस्से का काम जो है ना मगरिब के बाद करेंगे। और ये देखें ट्राली के ऊपर जो है ना कांटेदार झाड़ियाँ, ये एक स्पेशल किस्म की लकड़ होती है, वो बचाना है स्पेशल किस्म की लकड़ होती है, हम इसको फुला अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इसको अभी मैं ट्राली के ऊपर लोड कर रहा हूँ और मुदस्सर भाई जो है ना मेरे साथ हैं, जो कि ये भी काम से वापस आ रहे थे। मैंने कहा भाई हेल्प चाहिए, तो इन्होंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर जनाब। माशाल्लाह ग्रीनरी देखें और सूरज जो है ना बिल्कुल ग़ुरूब होने को है, अभी है 1.25 घंटा तकरीबन। चलो मुदस्सर भाई आ जाओ, मुझे बचाना है। ये देखे कांटेदार झाड़ियाँ, और इसके साथ मैं इसको जो है ना नीचे बैठा रहा हूँ और तरतीब वाइज जो है ना वो रख रहा हूँ। इधर से हम लकड़ियाँ लोड कर रहे हैं ना, ये सामने आबादी है सारी सैयदजादों की, ठीक है 2 मोहल्ले हैं,
तो दोस्त है अपने अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं यहाँ पर लगा था, फ़ोन किया कि शाह साहब आपके घर के पास लगे हैं, कुछ चाय पानी हो जाए, ठीक है। तो बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, वो देखे पानी वगैरह लेके आ गए हैं बच्चों के साथ। माशाल्लाह शाह साहब, बहुत बहुत माजरत, तो सा तकलीफ ही दीती हैं। नहीं मैं इतने पैसा फिर चढ़ना पो औखा हो, ऐसी ज़्यादा लदी गई ना। सुनाओ सेहत तबीयत। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब, ठीक हो? माशाल्लाह शाह साहब, क्या हाल है? ठीक है, फिट फार? क्या कर रहे हैं? तीतर आज मैंने लेके जाना है, दे देना। तितरी है। वेलकम जनाब जी, आया नू यासर ठेकेदार साहब, आ रहे हो? रस साहब बहुत जरूरत है सर। अभी यार बंदे हो गए चार, हसन भाई, यासिर भाई और हमजा जो है ना वो ट्राली के ऊपर है, पता नहीं नजर भी आ रहा होगा। ट्राली हमारी जो है ना काफी ज्यादा लोड हो गई, और बंदे अभी दो और भी आ गए, अलीशान और अली भाई, पांच बंदे हम हो गए। ये देखें मुझे हाथ पर कांटे लगे हैं बहुत जबरदस्त, एक ब्लैक ब्लैक जो है ना। जितनी लकड़ियां हमने लोड करनी थी ना अल्हम्दुलिल्लाह लोडिंग तो होगी, अभी रस्सों से इसको बांध रहे हैं क्योंकि रास्ता जो है ना हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अली भाई फिट ऐड करे वाला सरियन टोटा है बस, ठीक। तो ये गरारी रस्सा खींचने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये देखें ज़बरदस्त, इससे जितना टाइट आप कर सकते हैं ना हो सकता है। ये देखिए मुकम्मल घास, तकरीबन मेरा सारा मोटरसाइकिल घास के अंदर से जा रहा है, ये देखें। और आगे से खेतों में हल भी जो है ना चले हुए हैं, ये देखें। बहुत मुश्किल रास्ता है, अल्लाह करे कि खैर से हम पहुँच जाएँ। जुगनू हमने पकड़ लिया, रियल में जुगनू ऐसा होता है, ये देखें। लाइट ऑफ करते हैं, अली भाई लाइट बंद करो। कैसी रब निशान है, ये देखिए जुगनू की लाइट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और चलो 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 चलो, ओहो हो हो, या तो सारी रोड पे आ गई। ओ हो 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 हो, सारी रोड के ऊपर आ गई हैं। पे जाओ ठंडा मारो पीछे जा। नहीं नहीं आराम ना, जबरदस्त ये काम ठीक होगा। ठीक है ठीक है, आन दे आन दे। ये देखिए इतनी ज्यादा लकड़ियां हम लेके आए थे रात को, जो के पूरे मौसम सरमा में हमें बहुत है। पूरे साल में तकरीबन दो तीन दफ़ा ऐसा मौका आता है ना, ख़ास करके रमज़ान और शादी और ये जो है ना मौसम सरमा आ जाए ना सर्दियाँ, तो उसके लिए हम लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। और उसके लिए भी जब हमारे फोतकी वगैरह हो जाती, ये लकड़ियाँ हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आगे आ रहा है मौसम सरमा, अभी अगस्त का महीना है, बस दो ढाई महीनों की बात है, ठीक है। तो उसके बाद मौसम सरमा स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए जो है ना लकड़ियाँ ज़रूरत पड़ेंगी। और ये कि हमारा जो गांव है ना मेन दरेक, उसमें तो गैस वगैरह लगी हुई है, लेकिन हमारे हम थोड़ा गांव से साइड पे रहते हैं ना, तो हमारी गैस नहीं लगी हुई, इस वजह से हमको जो है ना अभी भी लकड़ियाँ जो है ना वो जलाकर गुजारा करना पड़ता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।